आज हमारे जीवन दर्शन साधना केंद्र में कई लोग 10 दिन से आए हैं, कई लोग 3 दिन से आए हैं, कई लोग 5 दिन से आए हैं। सब अलग अलग तरह का फल फूल मिक्स हो गए हैं, लेकिन हम हर रोज़ एक नया टॉपिक समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारा सब्जेक्ट क्या है? कल सबने क्या पूछा था कि जो ड्राई फ्रूट्स है, जो हम कच्चा चीज़ में इसको बहुत अच्छी तरीके से हम दानों को खाने के लिए प्रिफर करते हैं, रॉ फूड में भी इसका बहुत वैरायटीज बनाते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, वो आज हमको देखना है। क्यों अच्छा नहीं है और है तो भी क्यों है, दोनों रीज़न मालूम होने चाहिए। तो देखो, हमने अक्सर अगले लेक्चर में क्या देखा था कि कोई भी दाना है, कटहल है, गेहूं है, चना है, मूंग है, उन सब के आटे में से क्या बना? पेस्ट बना। फिर वो पेस्ट ने क्या किया, आंतों में पूरी फंस गई, तो आंतों को क्या कर दिया उसने, ऐसा बंद कर दिया, खराब कर दिया। फिर उसके अंदर से बदबू आने लगा, खट्टा खट्टा, मतलब अंदर क्या पैदा हुआ, एसिड। फिर वो हमको कैसा लगा, पेस्ट चिकना चिकना, तो उसने क्या बताया, कफ कारक है, कफ बनाएगा। और फिर उसमें बदबू जो आती थी, वो खट्टा लगता था, बदबू आती थी, उसमें से वायु वात बन रहा था। तो हमने आगे के लेक्चर में क्या बताया था कि दाने जो हैं वो पंखी सीधा पचा पाते हैं, हमको तो उसको फ्राई करना पड़ता है या उसको कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है दानों को खाने के लिए। तो देखो, एक काजू है, कल सवाल था ड्राई फ्रूट्स को हम खा सकते हैं कि नहीं, तो ये काजू हमने कल शाम को पानी में भिगोए थे, अभी कैसा दिख रहा है देखो, पानी एकदम बदबूदार आ रहा है, सूंघ रहे हैं ना, तो एकदम खट्टा बदबू आ रहा है। दूसरा, ये जो मूंगफली के दाने हैं उसका पानी भी ऐसा हो गया है, एसिड कलर वाला। तो ड्राई फ्रूट जो है वो आप उसको मिक्सी में पीसेंगे ना, इसको अभी भिगोने के बाद, तो इसका पेस्ट बन जाता है, वो इडली डोसा का कैसा बैटर आता है ऐसा इनका पेस्ट बन जाता है। और वो पेस्ट क्या हो जाता है बाद में, हमारी आंतों में इसमें क्या हो जाता है, वो चिपक जाता है। देखो, बाद में आंत ऐसी हो जाती है, ये आंत कैसी है, अच्छी है कि खराब है, ये आंत भी देखो अंदर आटा फंस गया। तो यहाँ भी देखो, हमने बताया है कि ये जो बड़ी आंत है वो इतनी खराब हो जाती है जब पकाया हुआ और तेल घी वाला दाने वाला चीज़ खाते हैं तो, और गाय भैंस भेड़ बकरियाँ हाथी चिड़िया ये सब लोग क्या खा रहे हैं, अपना आंतों का डिज़ाइन वाला भोजन, इसलिए उनको पेट साफ जल्दी हो जाता है। तो ड्राई फ्रूट है वो पेस्टी है, ड्राई फ्रूट है उसमें से क्या बनता है, पेस्ट बनती है, जो आंत में क्या करती है, चिपक जाती है और फिर वो कब्ज करती है, फिर वो खुद एक एसिडिक भोजन है ड्राई फ्रूट, तो वो अंदर पड़ा पड़ा मल क्या करेगा, फिर एसिड पैदा करेगा, फिर वो एसिड कहाँ जाएगा, खून में जाएगा, फिर वो खून कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में, कहीं किसी को घुटने में, किसी को जोड़े में, किसी को हड्डी में, किसी को सिर में, कहीं पर भी घुसेगा, वहाँ आपको उनके रिलेटेड रोग हो जाएगा। तो ड्राई फ्रूट है वो पूरा चिकना है, वो एसिडिक है और वो रसदार नहीं है। आप काजू बादाम को दबाओ क्या निकलेगा अंदर से, काजू बादाम को, ये मूंगफली के दाने हैं इनको मैं दबाता हूँ, देखो इसमें से क्या निकला, कुछ निकलेगा नहीं, मतलब पूरा पेस्ट बना देगा, लेकिन इनको दबाऊंगा तो, ये सब फोटो है वो सब फलों को दबाएंगे तो सब में से क्या निकलेगा, रस। और वो रस किसको पसंद है, आंतों को, किसको पसंद है, आंतों को, तो आंतों को जो पसंद है वो चीज देनी चाहिए। तो काजू बादाम में से कोई रस नहीं निकलता है, काजू बादाम है वो खुद एसिडिक है, ये खट्टा पानी बाहर निकाल दिया, वो ज्यादा चबाने से उसका मुंह में पेस्ट बनता है और वो पेस्ट आंतों में फंसता है। इसलिए ड्राई फ्रूट से अच्छे है सीजनल इज रीजनल एंड सीजनल इज ओरिजिनल, सीजन सीजन में जो फल मिलेंगे वो कैसे होंगे, पैसे में दाम में सस्ते होंगे और खाने में भी उनका टेस्ट कैसा लगेगा, एकदम बढ़िया लगेगा, समझे। दूसरी बात बताऊं, बंदर आएगा तो क्या खाएगा, केला खाएगा कि वेफर खाएगा,
कोई भी जंगली वेजिटेरियन शाकाहारी प्राणी आएगा तो वो क्या खाएगा? पहले पसंद क्या करेगा? और पौधे पे से सीधा क्या मिल सकता है? फल मिलता है। और इसको तो हमको क्या करना पड़ता है? इसको क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है, उसको उसका प्रोसेस करना पड़ता है। तो इसलिए प्राणियों क्या पसंद करते हैं खाने में? हरी घास या सूखी घास? गाय, भैंस, भेड़, बकरिया, चिड़िया और कोई भी प्राणी है जो शाकाहारी है, जो घास फूस खा रहे हैं, वो सूखा घास पसंद करेंगे या हरा घास पसंद करेंगे? और हमारा बेटा केला खाना पसंद करेगा या ये वेफर केला खाना, आलू वेफर, बनाना वेफर खाना है, या आलू चिप्स है, सोया चिप्स है, खाखरा है, गाठिया है, फाफड़ा है, बताओ हमारे बच्चे क्या पसंद करेंगे? केला या वेफर? क्यों? इसने क्या दिया, हमने क्या डाला इसके अंदर? मसाला भी डाल दिया। दूसरा, उसका मूल स्वरूप था वो हमने जला दिया, तो ये अभी टेस्टी हो गया, दो दो पांच बार खा लिया, वो अभी क्या मांगेगा? आप ज्यादातर देखो, कोई भी नौकरी करने वाला इंसान है, वो उपवास किया है कुछ मंगलवार, गुरुवार या ग्यारस पूनम, तो वो वहां नौकरी के पे ऊपर क्या मंगवा के खाएगा? ज्यादातर क्या मंगवा के खाते हैं लोग? वेफर या फराली चिवड़ा या वो पीनट शिका हुआ, फ्राई किया हुआ, समझ रहे हैं? तो वो हम हर दिन से भी ज्यादा नुकसान कर रहे हैं उपवास के दिन, क्योंकि अभी उपवास हमारे ऐसे हो गए। तो मेरा टॉपिक क्या है कि सभी प्राणी पंखी है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पैसे वाले नहीं है, बैंक अकाउंट वाले नहीं है, जिम ट्रेनर या योग ट्रेनर कोई नहीं रखते हैं, वो लोग खाने में क्या खाते हैं? नेचुरल हरा चीज। और हम लोग पढ़े लिखे इंसान क्या खा रहे हैं? सूखा सूखा। इसमें कौन सा रस निकलेगा बताओ? कौन सा रस निकलेगा इसमें से? देखो, खुद आवाज कर रहा है, और ये भी रस वाला है, और इसमें भी अंदर का जो मिठास है वो नेचुरल है, तो मतलब ये भी नेचुरल अंदर अपने रस वाला है, लेकिन इसको तो हमने नमक शमक मिर्च मसाला डाल के इसको क्या बना दिया? टेस्टी। तो हम क्या बोलते हैं? जीभ का टेस्ट। पेट में डलवाता है वेस्ट, फिर डॉक्टर करवाते हैं टेस्ट, फिर करना पड़ता है रेस्ट, और फिर भी रोग नहीं जाता है तो क्या होता है? पैसा वेस्ट। अक्सर डॉक्टर क्या बोलते हैं? एक ऑपरेशन करवाओ, देखो, फिर अच्छा नहीं हुआ तो बोलेंगे अभी बड़े सिटी में जाओ, वो भी एक बार करेगा, फिर भी अच्छा नहीं हुआ तो क्या बताएंगे? फिर भी बहुत खर्चा हो गया, भी आप सेवा करो घर पे ले जाके, तो क्या हो गया? हमारा हाल बेहाल हो गया। तो दोस्तों, पानी वाली चीज़, नेचुरल चीज़ जो भी आज मिल रही है, भले मार्केट से मिल रही है, आज लोग बोलते हैं दवाइयाँ वाला ये वाला होता है, तो हमने तो यहाँ जिन जिन लोगों को कैंसर था, किडनी फेल था, लीवर था, शुगर था, बैक पेन था, किडनी पेन था, एसिडिटी कब्ज था, उन सबको हमने तो नेचुरल मार्केट में से ही ला के नेचुरल भोजन को खिलाया है, भले उसका सफाई अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन हमने कौन सा सिद्धांत बनाया यहाँ पे? पकाते नहीं है, चूल्हे पे, आग पे, अग्नि पे कोई भी तरीके से उसको पकाते नहीं है। तो इसको पकाया है कि इसको पकाया है? आग पे किसको पकाया है? लेकिन इसको भी हम कच्चा नहीं बोलते हैं, ये भी कौन सा केला है? पक्का। लेकिन ये कहाँ पे पका है? झाड़ पे पका है या जो भी है, लेकिन पकाया है इसको। और ये भी टमाटर कच्चा है कि पक्का है? तो ये फूड हमारे कच्चा फूड बोलते हैं लोग, गलत बोलते हैं, कच्चा फूड नहीं है, ये भी पक्का फूड है, ये जला हुआ डेथ फूड है, और ये पौधे पे पका हुआ लाइव फूड है, इसमें रस है, इसमें रोग है। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट के लिए खा रहे हैं, और ये हमारे हाथों की डिजाइन के लिए, हमारा रियलिटी फूड है, इसलिए खा रहे हैं। तो ड्राई फ्रूट्स और ड्राई भोजन हमको खाने में लेने नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभार कुछ प्रसंग है, कहीं मिठाई विठाई बनाया है और खाया, अलग बात है, लेकिन लोग रोज मेवे को खाने के लिए मानते हैं कि ये बहुत ताकत प्रदान करेगा,
दोस्तों दुनिया में कोई दूसरा जीव ताकत के लिए ड्राई फ्रूट नहीं खा रहा है। एक क्वेश्चन है, रोटी दाल चावल और ड्राई फ्रूट्स में कौन बेटर है भिगो के खाने? हाँ, भिगो के खाने में तो देखो, रोटी दाल चावल खाएं या ड्राई फ्रूट भिगो के खा सकते, ये हमने वो उसका सवाल ये है, ड्राई फ्रूट भिगो के खाना चाहिए या मूंग है, चने हैं, गेहूं है, ज्वार बाजरा है, वो भिगो के खाना चाहिए? देखो नहीं, रोटी दाल चावल से कैसे इसको कंपेयर करते हैं? कोई व्यक्ति रोटी दाल चावल खा रहा है, ठीक है, हाँ, हम उसको कहते हैं तू रोटी दाल चावल नहीं खा, स्प्राउट्स खा।